नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। रविवार शाम को 5 बजे के लगभग नगर के रायपुरिया रोड स्थित कृषि उपज ढुलाई का कार्य चल रहा था तथा वहां मौजूद लोगों को तभी जमी बोरियों में से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने बोरे हटाकर देखा तो आग की लपटें निकल रही थी। वहां मौजूद आरक्षक ने तत्परता से दुर्गा प्रसाद वर्मा ने तुरंत कहा कि लोगों को दूर कर फायर ब्रिगेड को फोन किया जाए। इस दौरान वहां उपस्थित कुछ लोग आग बुझाने का प्रयास न करते हुए वीडियो बनाते नजर आए। आरक्षक की सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गेहूं की बोरियों में लगी भीषण आग से बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन आरक्षक 243 दुर्गा प्रसाद वर्मा की सूझबूझ और तत्परता से बड़ा हादसा होने से टला। आज की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार जय प्रकाश गौतम, उप निरीक्षक दिलीप कटारा, कसरा पटारी अनिल ठाकर भी मौजूद रहे। घटना की जानकारी ली उपार्जन केंद्र प्रभारी संस्था प्रबंधक नंद किशोर वर्मा ने बताया कि गेहूं की बोरियों में आग शॉर्ट सर्किट में लग गई। करीबन 750 क्विंटल गेहूं की बोरियां रखी हुई थी। अभी बता पाना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है। आग लगते ही किसानों में हाहाकार मच गई, क्योंकि यदि आग बढ़ती तो पास में वहां ट्रैक्टर और किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। कानड़ से संवाददाता गोवर्धन कुंभकार की रिपोर्ट, के क्या न्यूज भोपाल। पहले सुने की मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण बोर्ड में हुआ, बोर्ड में फर्स्ट सर्किट हुआ। तो कानन मंडी के लगभग लगभग कितने गेहूँ चल गए होंगे अभी? आज के तोले ही अभी तो मालूम नहीं कितने तोला है, पर अनुमानित मतलब 750 क्विंटल लगभग गेहूँ जल गए हैं। जल तो नहीं गए पूरे, मतलब हाँ उसमें आग लगी है। आग लगी पानी के कारण थोड़ी गेहूँ में क्षति पहुँची। 200-150 क्विंटल तुरंत फायर ब्रिगेड पर सूचना की गई और गेहूँ का बुझाने पे भी की गई। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।